हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन आवर चैनल कॉन्सेप्ट परफेक्शन। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आईआईटी मद्रास के लिए, जो कि इंडिया के टॉप आईआईटीज में से एक आईआईटी है। टॉप 5 या 10 में ये आता है, ठीक है। तो इसमें यदि आपको कंप्यूटर साइंस चाहिए तो प्रत्येक कैटेगरी वाइज, आप जिस भी कैटेगरी के हो, कैटेगरी वाइज आपको कितना रैंक लाना पड़ेगा या फिर आपको कितना परसेंट मार्क्स लाना पड़ेगा जेईई एडवांस के एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको 67 to 72% मार्क्स लाना पड़ेगा। और स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग परसेंटेज मार्क्स का बात कर रहे हैं, क्योंकि जेईई एडवांस के एग्जाम में टोटल मार्क्स फिक्स नहीं होता है। वहीं ईडब्ल्यूएस से हो तो आपको 60 to 69% लाना पड़ेगा। ओबीसी कैटेगरी से यदि आप हो तो आपको 61 से 66% मार्क्स लाना पड़ेगा। एससी वालों को 52 to 56%, एसटी वालों को 41 to 45% मार्क्स लाने पड़ेंगे, ठीक है। और वही हम बात करें जोसा काउंसलिंग 2023 में, लास्ट ईयर के जोसा काउंसलिंग में ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक क्या रहा कंप्यूटर साइंस के लिए। तो जनरल के लिए 142 to 148, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 21 to 36, ओबीसी के लिए 38 to 101, एससी के लिए 16 to 54 और एसटी के लिए 11 to 15। तो स्टूडेंट्स, ये था आईआईटी मद्रास के रिगार्डिंग कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए कंप्लीट डाटा कि आपको कितना परसेंट मार्क्स लाना पड़ेगा और आपको आपका रैंक अपने कैटेगरी में, रिस्पेक्टिव कैटेगरी में कितना होना चाहिए, ठीक है। तो अगला वीडियो आप किस आईआईटी पे देखना चाहते हो उसका नाम आप कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। जय हिंद, जय भारत।